सीता की कहानी है ये, जिसको प्यार से कहते हैं रामलीला। धीरे धीरे समय बीता, देखते ही देखते बड़े हो गए बच्चे चारों। वेद वेदांत और शास्त्रों का ज्ञान, देखते ही देखते दोनों बने बुद्धिमान और बलवान। बात है एक दिन की, जब गुरु विश्वामित्र थे प्रभु राम और लक्ष्मण के साथ प्रशिक्षण करते घने वन में। अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। श्री राम ने चलाए दिव्य बाण और चीर डाला अंधेरे को। तभी ताड़का, फिर गुरु विश्वामित्र ले गए राम को मिथिला राज्य, जहां आयोजित किया गया था सीता का स्वयंवर। जो ये महान शिव धनुष उठा सकेगा और प्रत्यंचा चढ़ा पाएगा, उसी से विवाह करेगी राजकुमारी सीता। आए श्री राम, उठाया उन्होंने शिव धनुष, प्रत्यंचा चढ़ाई और कर दिए उस धनुष के दो भाग। राजा जनक आए राम के पास लेकर सीता को अपने संग। राम, तुम हो विजयी, है ये इस प्रतियोगिता का परिणाम। आज से राम के साथ लिया जाएगा सीता का नाम। सीता, मैं तुम्हें सर्वदा सुखी रखूंगा, कभी कोई दुख नहीं दूंगा। तो बोलो सियावर रामचंद्र की। जंगल में एक छोटी सी कुटिया बनाई राम और लक्ष्मण ने। सीता ने घर को सजाया और छोटी सी कुटिया को स्वर्ग बनाया। सुंदर राजकुमारी का रूप लेकर आई हो, मैं तुम दोनों को देख लूंगी। ए दुष्ट राक्षसी, जाने दे माता सीता को इसी क्षण, वरना तुझ पर मैं करूंगा अपने बाण से वार। सूर पणखा अपने नाक और कान से धो बैठी हाथ। क्या हुआ बहन, तुम्हारे रोने का कारण तो बताओ। राम, लक्ष्मण और सीता हैं मेरी इस हालत का कारण। प्रतिशोध चाहिए मुझे भैया। बस इतनी सी बात, मैं लंकापति रावण हूँ। रावण चाहिए। भैया, ये हिरन तो सच में बहुत ही सुंदर है। सीता, तुम्हारी खुशी से बड़ी मेरे लिए कोई खुशी नहीं। अगर उस हिरन को पाकर तुम खुश होगी तो यही सही। मैं जाता हूँ हिरन को लाने, मेरे आने में जो देरी हो, लक्ष्मण तुम यही अपेक्षा कर सीता का ध्यान रखो। आप निश्चिंत होकर जाइए। फिर वो सुनहरा हिरन ढूंढने पर भी ना मिल पाया। बाण जाकर सुनहरे हिरन पर जैसे ही लगा, उसकी माया टूट गई और वो मारीच के भेष में वापस आया। सीते, लक्ष्मण, लक्ष्मण, मैंने कहा था ना, राम पर आई है कोई बड़ी मुसीबत, जाओ जाकर उनकी मदद करो। फिर अपने हाथों से घर के चारों ओर बनाई उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा। आप इस रेखा के अंदर ही रहिए। भगवती भिक्षाम देही।
और जैसे ही सीता लक्ष्मण रेखा के बाहर आई, साधु ने अपनी असलियत दिखाई। वो साधु नहीं था, रावण था। सीता को बचाने की कोशिश की। जटायु ने बताया सीता का हुआ हरण करके ले गया है रावण। हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं जटायु, और तुमसे ये वादा रहेगा रावण अपने दुष्कर्मों की सजा जरूर भुगतेगा। मैं हूँ एक पंडित, कहाँ जा रहे हैं आप? अगर अपने बारे में कुछ बताएं तो मैं कर दूँ आपके कष्ट समाप्त। श्री राम ने पहचान लिया हनुमान को। हनुमान, ए प्रभु राम, क्षमा कीजिए, मैंने आपको अपना असली रूप नहीं दिखाया। कोई बात नहीं हनुमान, मुझे मिलने जाना है सुग्रीव से, करनी है उसकी मदद। हा? क्या रास्ता दिखा सकते हो मुझे मेरे भक्त? अब मुझे समझ में आया। आइए मेरे साथ आइए। ये रहे वो गहने, क्या ये आपकी पत्नी सीता देवी के हैं? और हनुमान निकल पड़े लगा के सारा जोर। सीता की तलाश में लंका की ओर। सीता माता, मैं हनुमान। श्री रामचंद्र ने भेजा है मुझे, ये देखिए। श्री राम ने दी है ये अंगूठी ताकि आपको मेरी कोई बात लगे ना झूठी। चिंता ना करें माता, प्रभु राम आपको बचाने आने ही वाले हैं। इंद्रजीत ने प्रयोग किया ब्रह्मास्त्र का। उसे नहीं था पता कि ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा हनुमान का, परंतु शस्त्र के सम्मान में हनुमान जी ने झुकाया अपना सिर। बंदी बना के ले जाए गए हनुमान रावण के दरबार में फिर। अब मजा चखाता हूँ तुम लोगों को, बस देखते जाओ। हनुमान पहुँचे राम के पास, वो तैयार हुए समंदर पार जाने के लिए। बाद एक रावण की सेना का विनाश करती रही वानर सेना, जो राक्षसों पर पड़ी भारी। शूरवीर राक्षसों की सेना गिरने लगी सारी। कुंभकर्ण के होश आए ठिकाने और कुंभकर्ण का कर दिया विनाश। इंद्रजीत ने किया राम परवाह। लक्ष्मण ने जैसे ही देखा भैया को बचाने स्वयं आए शस्त्र के सामने। लक्ष्मण, लक्ष्मण की जान बचानी है तो विशाल करणी औषधि चाहिए होगी, जो गंध मदन पर्वत पर है। फिर अयोध्या पहुँचे सब जन, फिर राम राज्य का युग आया। तो बोलो श्री राम चंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। आओ याद करें राम को, जो है अच्छाई की प्रतिमा, और रावण को, जो है बुराई का प्रतीक। ये कहानी रामायण की है बड़ी खूबसूरत। तीर उठा के और चला के बुराई पर लगाएं निशाना, ना बुराई रहे ना बुरे लोग, ये धरती हो खुशियों का ठिकाना। तो बोलो श्री रामचंद्र की जय।
श्री रामचंद्र की। 98, 99, 100। मैं आऊं? अभी नहीं, मैं आऊं? अरे इतनी जल्दी नहीं, मैं आ रही हूँ। कहाँ छिप गए हैं सब? हमेशा तो चटपट मिल जाते थे। हाँ, ऐसे काम नहीं बनेगा, थोड़ी अकल लगानी होगी। और साथ एक लड्डू। ओह, एक आखिरी लड्डू निकल आया झोले में से। बस एक ही बचा है वो। लड्डू के लिए तो ये भी मंजूर है। बिल्कुल सही कहा, पर ये आखिरी लड्डू मेरा है। मेरा 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 मेरा। इतनी जल्दी भी नहीं जग्गू। लड्डू लड्डू पर लिखा है खाने वाले का नाम। फिर तो इस लड्डू पर जरूर भीम लिखा होगा। क्यों? आज तो हार माननी ही पड़ेगी भीम। खेल खत्म, लड्डू हजम। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है दोस्त, क्योंकि अभी मैंने हार नहीं मानी है। वो लड्डू तो एक ही है, पर मिल बांट के खा सकते हैं। हमारे पास चलो भी कुछ गाना बजाना हम भी करें।
दोनों ही खा जाऊंगा। कैसी आवाज थी? मुझे तो बड़ी भूख लगी है। तुम्हारी इस भूख ने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। अगर भूख लगी है तो फिर मिलकर लड्डू खाते हैं। पर अगर सारे लड्डू अभी खत्म कर दिए तो आगे के सफर के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो पहले कुछ खाने का इंतजाम करते हैं। कालिया, तुम जाकर लकड़ियाँ ले आओ। चुटकी, जग्गू और राजू, तुम आग जलाओ। मैं और दूरे जंगल से कुछ खाने के लिए लाते हैं। तुम दोनों मुझे चिपक कर क्यों चल रहे हो? क्योंकि हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते ना। कहीं आप जंगल में खो गए तो? तुम दोनों मेरी छोड़ो और अपनी चिंता करो। आराम से राजू, मुझे नहीं लगता यहाँ कोई खतरा है। तुम कहती हो तो ठीक है। मिल गया खजाना। मेरा पैर। अरे वो देखो, ये तो आग जलाने के लिए काफी अच्छी लकड़ी है। ये तो बहुत मजबूत लगता है। हटो हटो, पीछे हटो, मैं दिखाता हूँ अपना कमाल। Thank you.
छुट्टी। वो देखो भीम, वहाँ पर। हमारे साथ भीम है ना, तो फिर डर कैसा? बजते ही दौड़ शुरू हो जाएगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। तुम दोनों को मजा आ रहा है, अभी बताता हूँ। तुम बच्चों ने एक साधु का मजाक उड़ाया है, तुमने ये ठीक नहीं किया। अब इसकी सजा भुगतनी होगी। अब तुम और तुम्हारा पूरा गांव हमेशा के लिए डरता रहेगा। गुड़ गुड़ माया, साधु को डराया। दम दम कहना, हमेशा डरते रहना। माँ, क्या हुआ माँ? कुछ तो बताओ, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? चुटकी, सब जाओ यहाँ से, हमें अकेला छोड़ दो, जाओ। ठीक है, जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है। बाकी सब कितना जलेंगे जब हमारी सीक्रेट पिकनिक के बारे में सुनेंगे, है ना ढोलू बोलू? किसने किया? उस्ताद, लड्डू चोर। कोई कालिया से लड्डू नहीं चुराता। आ,
हमें महल में जाकर राजा इंद्रवर्मा से बात करनी चाहिए। हो सकता है वो इस आसमानी हमले के बारे में हमें कुछ बता सके। जल्दी चलो। मुझे डर लग रहा है क्योंकि मेरे भोजन में लाल मिर्चियाँ हैं। अब से मैं कभी भी भोजन नहीं कर पाऊँगा। ये कैसी समस्या है? कालिया, तुम इस पेड़ के पीछे क्यों छुपे हो? क्योंकि मैंने जंगल में सोते हुए साधु महाराज को डराया था। सोते हुए साधु महाराज जंगल में? शायद यही सारी मुसीबतों की जड़ है। मुझे जंगल में जाकर देखना होगा। क्या आपने ढोलकपुर पर काला जादू किया है? काला जादू नहीं किया, श्राप दिया है कि पूरा गांव हमेशा हमेशा के लिए डर डर कर जिए। श्राप? लेकिन क्यों? आखिर ढोलकपुर वासियों ने आपका क्या बिगाड़ा है? तीन बच्चे जंगल में आए, मुझे नींद से डरा कर जगा दिया और फिर मेरी हालत पे हंसने लगे। हमें क्षमा करें और ढोलकपुर को इस श्राप से मुक्त करें। श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन तुम एक बहादुर पालक हो, तभी श्राप का तुम पे कोई असर नहीं हुआ है। अब तुम ही इस गाँव को इस श्राप से मुक्ति दिला सकते हो। वो कैसे? डरगुन दानव, जो हर इंसान के दिल में डर पैदा करता है, उसे हरा कर। ये डरगुन दानव मुझे कहाँ मिलेगा? इस चमत्कारी डंडे को पकड़ के ये मंत्र बोलना। डिम डिम डम डम डिगी मिगी डा, डर निकल के बाहर जा। डिम डिम डम डम डिगी मिगी डा, डर निकल के बाहर जा। क्या किसी ने मुझे याद किया? बहुत हुआ तुम्हारा खेल डरगुन दानव, अब मुझसे बचकर दिखाओ। दुनिया डरती होगी तुमसे डरगुन दानव, पर मैं नहीं। महाराज के कहने का मतलब है कि हमें कभी भी ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को हानि पहुंचे। सही समझे कालिया। एक बार फिर से तुमने अपनी बहादुरी और चतुराई से ढोलकपुर को बचा लिया है भीम। पकड़ लिया ना कांगा?
बोलो बोलो, ये देखो इसे तो चोट लगी है। चोट की वजह से ये खाना नहीं ढूंढ सकता था, इसलिए ये ढोलू भोलू को ले आया अपनी मादा के लिए। Panda, kangaroo, hungry, kangaroo.